स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डीएनए स्लैश आरएनए प्रोब्स के बारे में कि जो प्रोब्स हैं वो डीएनए के भी हो सकते हैं और आरएनए के भी हो सकते हैं. अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रोब क्या है, तो प्रोब जो है ये एक फ्रेगमेंट होता है जो कि डीएनए का भी हो सकता है और आरएनए का भी हो सकता है. और इसकी जो लेंथ है, अगर हम इसकी बात करें तो ये कुछ स्पेसिफिक इसकी लेंथ होती है. अगर हम सपोज करें कि कितनी लेंथ है, तो यूजली 100 से 1000 बेसिस इसकी लेंथ होती है और ये रेडियो एक्टिवली लेबल होता है. अब अगर हम बात करें कि डीएनए और आरएनए प्रोब्स क्या हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीएनए की. डीएनए जो है इसे कहा जाता है वरासती मादा, यानी कि हेरिडिटी मटेरियल, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होता है. यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है, ये डीएनए की डायग्राम है. और ये जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये अंदर हम बात करें तो इसके अंदर बेसिस मौजूद होती हैं और वो बेसिस चार किस्म की होती हैं. और वो चार किस्म की बेसिस कौन सी होती हैं उसे हम यहां पे आप देख सकते हैं कि ये शो किया गया है ए टी सी और जी से. ए जो है वो है एडेनिन, टी जो है वो है थायमिन, सी जो है वो है साइटोसिन और जी जो है वो है गवानिन. अब ये चारों बेसिस जो हैं ये इन स्ट्रैंड्स में मौजूद होती हैं. और ये बेसिस अगर हम 100 से 1000 बेसिस का एक लॉन्ग फ्रेगमेंट ले लें तो हम उन्हें कहेंगे कि ये प्रोब है. और अगर हम बात करें कि इस प्रोब का काम क्या होता है, प्रोब को हम यूज़ क्यों करते हैं, तो ये प्रोब जो है इसकी वजह से, इसकी मदद से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कोई भी सीक्वेंस. यानी कि जो हमारा हमारे पास अगर कोई टारगेट डीएनए है और उसका हमने सीक्वेंस मालूम करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम प्रोब इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये हमारे पास, सपोज करें कि ये हमारे पास एक डीएनए का टारगेट डीएनए है, यानी कि यहाँ से हमने ये देखा है कि इसके दो स्ट्रैंड्स हैं, एक है 5' to 3' और दूसरा है 3' to 5'. ये दो इसके स्ट्रैंड्स हैं और इनको हमने दो डिफरेंट कलर्स में शो किया है. एक जो है वो है ब्लू और दूसरा जो है वो है रेड. अब इनके ऊपर आप देखें तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ बेसिस जो हैं चारों नजर आ रही हैं, जिनकी जो एक खास तरतीब में मौजूद हैं. आप देख सकते हैं यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये है टी ए सी टी जी, और दूसरे स्ट्रैंड पर अगर हम देखें तो ये मौजूद है ए टी जी ए. अब अगर हम इन दोनों के स्ट्रैंड्स की आपस में बात करें तो ए जो है वो हमेशा टी के साथ पेयरिंग बना रहा है. यहाँ भी आप देखें ए जो है वो टी के साथ पेयरिंग बना रहा है. यहाँ भी आप देख सकते हैं ए टी के साथ पेयरिंग बना रहा है. यानी कि एडेनिन और थायमिन जो है ये आपस में पेयरिंग करते हैं और इनको कहा जाता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है. इसी तरीके से अगर हम बात करें सी और जी की, तो सी और जी जो है, यानी कि साइटोसिन और गवानिन जो है, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग बनाते हैं. अब प्रोब जो है वो क्या करता है, प्रोब जो है उनमें से ये जो हमारे पास टारगेट डीएनए का स्ट्रैंड होता है, जो कोई सा भी एक स्ट्रैंड होता है, दोनों नहीं, कोई सा अगर हम एक ले रहे हैं और हमारे पास जो प्रोब है उसके पास भी कुछ सीक्वेंस मौजूद होता है एक खास तरतीब में, तो प्रोब क्या करता है, प्रोब जो है वो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन कर देता है. तो हम कहते हैं कि ये जो प्रोब होते हैं, हम इन्हें कहते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोब होते हैं. अब ये जो प्रोब होते हैं, जब ये इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो इनकी डिटेक्शन जो है वो किस तरीके से होती है, क्योंकि हमने अगर हम इसकी डेफिनेशन में देखें तो हमने कहा था कि ये रेडियो एक्टिवली लेबल होते हैं. रेडियो एक्टिवली लेबल का मतलब है कि इसके साथ कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो अटैच होता है. और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो खास बात है या जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है कि उसमें से रेडियो एक्टिव रेज एमिट होती हैं. और वो रेज कौन सी हैं, वो हैं अल्फा रेज, बीटा रेज और गैमा रेज. और ये जब रेज एमिट होती हैं तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रोब ने हाइब्रिडाइजेशन कर ली है डीएनए टारगेट के स्ट्रैंड के साथ. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमने जो है वो प्रोब दिखाया कि ये हमारे पास स्ट्रैंड है और इस पर ये बेसिस मौजूद हैं. और ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पे स्टार बना हुआ है, ये इसलिए बनाया है कि ये हम देख रहे हैं कि ये जो है ये रेडियो एक्टिव लेबल है. अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो कॉमनली सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा यूज किया जाता है, वो है P32. पी जो है ये एक एलिमेंट है जो कि है फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस 32 जो है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है. यानी कि नॉर्मल जो है वो P32 नहीं होता, लेकिन जब हम P32 फॉस्फोरस लेते हैं तो उसमें से रेडियो एक्टिव रेज एमिट होती हैं. अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये प्रोब्स जो हैं वो काम करते हैं, तो यहाँ पे हम अपने सामने देख सकते हैं कि ये जो दो डीएनए के स्ट्रैंड थे जो हमने लिए हैं, उनको हमने क्या किया है, हमने उनको हीटिंग के जरिए, जब हम उनको हीट करते हैं तो ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं. अब ये वाला जो स्ट्रैंड है ये हमारे पास मौजूद है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रैंड जो है यहाँ पे मौजूद है, और ये जो येलो कलर का है ये मेम्ब्रेन है. अब इस मेम्ब्रेन के ऊपर ये स्ट्रैंड जो है डीएनए टारगेट जो है ये हमारा मौजूद है. अब हमने अपना जो टारगेट डीएनए है उसका जब सीक्वेंस देखना होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम प्रोब जो है वो इसके साथ
यूज करते हैं, और जब हम प्रोब यूज करते हैं तो यहाँ पे हम प्रोब के अंदर भी एक खास सीक्वेंस मौजूद होता है, और जब ये प्रोब जो है ये इसके साथ आके अटैच होगा, ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को ढूंढेगा कि कौन से टारगेट डीएनए के पास मेरा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मौजूद है, तो उसके साथ जाके ये क्या करेगा, उसके साथ ये जाके हाइब्रिडाइजेशन कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ पे इसके पास ए है, टी है, और इधर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये टी ए है, यानी कि ये वाला स्ट्रैंड इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये इसके साथ जाके पेयरिंग कर देगा, और जब ये इसके साथ पेयरिंग कर देगा तो हम कहेंगे कि ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई। और हमें किस तरीके से नजर आएगी, क्योंकि ये प्रोब जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टार कि ये रेडियो एक्टिवली लेबल है, तो जहां से रेडियो एक्टिव रेज एमिट हो रही होंगी, जहां से ये रेडियो एक्टिव रेस एमिट होंगी, वहां से हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारा जो है वो प्रोब मौजूद है। और ये जो डीएनए और आरएनए के प्रोब है जिसने हाइब्रिडाइजेशन की है, यही टेक्निक जो है वो हम यूज कर सकते हैं मेडिसिन में, यानी कि जब मेडिकल ट्रीटमेंट्स की जाती हैं और मुख्तलिफ डिजीजेस डायग्नोज की जाती हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें हम डीएनए और आरएनए प्रोब्स इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है डीएनए एंड आरएनए प्रोब्स के बारे में।